सो so, आज हम डिस्कस करेंगे बिबॉनिक प्लेग के बारे में देखिये बिबॉनिक प्लेग न्यूज़ में है क्यों न्यूज में है बिकॉज यू एस से औरगॉन में दो हज़ार पाँच के बाद पहला केस आया है नो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन रिसेंट पेंडेमिक्स और प्लेग की भी अपनी हिस्ट्री है इट इज़ द सेकेंड मोस्ट डेडली पेंडेमिक इन दिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फोर्टीन सेंचुरी में यह हुआ था इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिफ्टी मिलियन डेथ्स वाइपिंग आउट हाफ ऑफ द यूरोप्स पॉपुलेशन तो ये सेकेंड मोस्ट डेडली पेंडेमिक है पहला जो था दैट रिमेन्स द ग्रेट इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इंफ्लेंसा पेंडेमिकटीन टू ट्वेंटी तो पहले बहुत सारे लोगों को इट हैज किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल सो अगर इसका केस आता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ह्यूमस के लिए भी और यू पी एस के लिए भी बिकॉज प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में जब हम पेंडेमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप, आप इसको कोट कर सकते हो तो हमारे लिए एज एन एस्पिरेंट ये जानना ज़रूरी है कि ये प्लेक होता किससे है नो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ ठीक है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ राइट और कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है यर्सिनिया येस्ट अभी अच्छी खबर है कि ये बैक्टीरियल है क्यों क्योंकि एंटीबायोटिक से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं अब ना अगर वायरल होता या पैरासिटिक होता तो थोड़ा मुश्किल होता है ट्रीट करना एंटीबायोटिक से ट्रीट करना आसान है बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास ए एम आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है खैर बट दैट इज़ अ डिस्कशन फ्रॉम अनादर सेशन बट वन थिंग दैट अंडरस्टैंड इज दैट इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ अब ये जो बैक्टीरियल डिजीज है ना ये वैक्टर्स से ट्रांसमिट होता है लाइक like फ्लीज अब यर्सिनिया पेस्टिस जो हमारा बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है ये रोडेंट्स को इन्फेक्ट करता है सो सपोज़ यू हैड अ इन्फेक्टेड रोडेंट अब फ्ली जो कि इंसेक्ट्स हैं उन्होंने रोडेंट को बाइट किया उसी फ्ली में बैक्टीरिया आ गए फिर उसने ह्यूमन को बाइट कर लिया सो दैट इज़ हाउ इट ट्रांसमिट्स थ्रू द वेक्टर फ्ली सो दैट इज़ वन ऑफ द थ्री वेज ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है अगर हम यूबॉनिक प्लेक की बात करें तो तीन तरीके हैं ट्रांसमिशन के पहला तरीका है द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड वेक्टर दैट इज़ द फ्री दैट वी आर डिस्कस्ट द अनदर अनादर वे इज दैट अगर आप कॉन्टैक्ट में आ जाए किसी कंटामिनेटेड मटीरियल से मटीरियल के विच हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाई द बैक्टीरिया लेट्स आपको रोडेंट ने रैट ने ही बाइट कर दिया वो एक तरीका हो सकता है तीसरा तरीका है ड्रॉपलेट्स जैसे ना एक प्लेग का एक टाइप है प्लेग तीन तरह का होता है एक प्लेग है न्यूमोनिक है ना न्यूमोनिक प्लेग है जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो अगर मुझे न्यूमान प्लेग है और मैंने खांसी करी तो मेरे ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे और उससे दूसरा इंसान भी इन्फेक्ट हो जाएगा तो हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो ट्रांसमिशन का है दैट रिमेंस द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड वेक्टर्स बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ न्यूमोनिक प्लेग और अगर मुझे न्यूमोनिक प्लेग है आपने वो ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया तो आपको भी न्यूमोनिक प्लेग ही होगा आपके भी लंग्स ही इम्पैक्ट होंगे और न्यूमोनिक प्लेग ना बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि अगर हमें इसे ट्रीट नहीं किया ना तो इट इज़ ऑलमोस्ट फेटल खैर अगर हम तीन तरह के प्लेग की बात करें ना पहला आपने सुना होगा बिबोनिक बिबॉनिक जो वर्ड है ना वो आता है इज अ वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू लिम्फ नोड्स तो अब बिबॉनिक्लेट प्लेग प्लेग प्ले, में ना आपको शुरू होता है व्हेन लेट्स से यू आर इन्फेक्टेड बाय वेक्टर सो एक से सात दिनों में सिम्टम्स आने शुरू होंगे फ्लू लाइक -like सिम्टम्स होते हैं खांसी यू नो फीवर हेड एक वॉमिटिंग और इसमें ना आपके लिम्फ नोट्स स्वेल कर जाते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं और वर्स के सिनारियों ना दे ओपन अप पॉल्सो दे यार टेंडर पेनफुल होते हैं बड़े स्वेलिंग हो जाती है दे ओपन अप पल्सो ठीक है लीडिंग टू गैंग्रीन एंड ऑल सो दैट इज योर बिबॉनिक प्लेक उसके बाद सेप्टिसमिक प्लेक होता है जब ये जो बैक्टीरिया है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाए जब ब्यूबॉनिक ट्रीट नहीं होता तो सेप्टिसेमिक डेवलप हो जाता है और थर्ड तरीका तरीके का है न्यूमोनिक प्लेग वो तब होता है जब ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में चला जाए एंड इट इज़ द मोस्ट फेटल टाइप ऑफ प्लेग सो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लेग दैट आर देयर ब्यूबॉनिक ट्रीटेबल सेप्टिसमिक स्टिल ट्रीटेबल एंड बट न्यूमोनिक इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल बट अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो या देर कर देते हो ट्रीट करने में सो दैट इज़ फेटल सो वी हैव थ्री वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग एंड थ्री टाइप्स ऑफ प्लेक देन उसके बाद ना इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है बिकॉज इट लीड्स टू गैंग्रीन, लाइक आई टोल्ड यू, तो इसलिए ना ब्लैक डेथ भी कहते थे इसको पहले अब इसका ना जो एक एक, एक इम्पैक्ट हमें दिखता है ना आज भी जब ये था आ, तो ना एक जेनेटिक म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से ना 40 परसेंट सर्वाइवल इंक्रीज हो गया ऑफ द ह्यूमन्स विच वर इन्फेक्टेड विद प्लेक लेकिन ना अभी आज अगर हम देखें तो वो जो जेनेटिक म्यूटेशन है जिसने उस टाइम पे आपको प्लेग से ज़रूर बचाया लेकिन आज वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये आपको आज भी इम्पैक्ट कर रहा है एंड दिस जेनेटिक म्यूटेशन इज ऑब्वियसली ट्रांसमिटेड अलॉन्ग द फर्दर जेनरेशंस तो सात तो तो साल पहले हमारे इंसेस्टर्स में जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से उनका 40 परसेंट चांस जरूर पड़ गया for plague survival, फ्रॉम सर्वाइवल ऑफ प्लेक बट दैट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीजेज प्रेजेंटली सो दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट वी हैव to विटनेस तो so so, एक ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं and lastly अगर हम ये देखें कि क्या ये हमारे लिए बुरी खबर है तो बुरी खबर नहीं है क्योंकि फैलना मुश्किल है plague का in the present scenario. और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है जैसे कोविड था कोविड की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो बट हमने अब उसकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है तो अभी उसके भी केसेस कंट्रोल में है तो वो चीज़ है फैलना मुश्किल है और इलाज है एंटीबायोटिक्स है तो इसलिए प्लेग से डरने की ज़रूरत नहीं है बट एज अस सी एस्पिरेंट आपको प्लेग के बारे में पता होना चाहिए एंड लास्टली इट्स अ जूनॉटिक बैक्टीरिया जूनॉटिक बैक्टीरिया होता है जो एनिमल्स से आता है या एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल में ट्रांसमिट होता है सो इट इज़ अ जूनॉटिक बैक्टीरिया ठीक है सो दट इज वन ऑफ द थिंग्स आट यू हेव टू अंडस्रस्टैंड एंड अगर हम प्लेग के ट्रांसमिशन की बात करें तो रॉड एंड सेफली सेफली से ह्यूमन्स से से, में तीन तरह का प्लेग होता है एंड दीज आर द कॉमन सफ्टम्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिसकस्ट सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस थैंक यू